A380 एयरबस अभी आपको बाहर से देखने में एक आम प्लेन की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन दुनिया का सबसे आधुनिक प्लेन है A380। और अगर बात करें ऐशो आराम की, सुविधाओं की, तो उस मामले में भी दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं है। एक सऊदी प्रिंस का ये पूरा महल है और इसे हम कह रहे हैं प्लेन महल। कई हवाई यात्राएं आप में से कई लोगों ने की होगी, कई लोगों की हसरत होगी हवाई यात्राएं करने की, लेकिन आज हम आपको यात्रा कराएंगे प्लेन के अंदर की। प्लेन से यात्रा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन प्लेन की यात्रा के बारे में शायद कभी नहीं। इस प्लेन की जब यात्रा होगी तो उसमें भी कई दिलचस्प पहलू होंगे, बहुत सी ऐसी जानकारियां होंगी जो आपने न पहले कभी देखी होंगी न पहले कभी सुनी होंगी। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि प्लेन में आपके लिए प्राइवेट क्वार्टर, बोर्ड रूम, गेस्ट रूम हो, लिफ्ट हो, कॉन्सर्ट हॉल हो और एक बड़ा गैराज हो जिसमें बड़ी गाड़ियां पार्क हो सके? ये सपना हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब के सुल्तान अल वालिद बिन तलाल का प्लेन महल जो इस वक्त पीछे खड़ा हुआ है, दूर से देखने में अभी आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं मिल रहा होगा कि A380 ये जो प्लेन है और इसकी कीमत मैं पहले आपको बता दूं, 2250 करोड़ रुपए इस प्लेन की कीमत है। और जैसी इस हवा महल की कीमत, वैसे ही इसमें सुख सुविधाएं हैं, आराम है और कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी बातें हैं जो कभी शायद आपने सपने में सोची भी नहीं होंगी या जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। इसमें 4 पोस्टर बेड है, 4 बाथरूम है, इसको बनने में 3 साल लगे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जंबो जेट होगा। इस प्लेन को डिजाइन कर रहे हैं ब्रिटिश फर्म डिजाइन क्यू के को फाउंडर गैरी डॉय। बोर्ड रूम में 2 बड़े होलोग्राफिक बोर्ड है। ये सऊदी प्रिंस का प्लेन महल है। कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल में हाईटेक स्क्रीन है, हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम है और इसी बोर्ड रूम में इंटरनेट और फोन की सुविधा भी है। हवाई यात्राओं के दौरान भी इंटरनेट और फोन की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्लेन महल में। ये उड़ता हुआ महल है जिसे सऊदी के प्रिंस तलाल इस्तेमाल करेंगे। इसकी कई और खूबियां हैं। प्लेन की कुछ खास बातें हैं, विंग्स 261 फीट 8 इंचेस, ये पंखों का फैलाव है विंग्स। इसकी लंबाई की बात करें तो 239 फीट 4 इंच इस प्लेन की लंबाई है। ऊंचाई है 79 फीट 7 इंच। 3 फ्लोर है इसमें और इसकी बेसिक कॉस्ट की बात करें तो वो 1212 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी कुल लागत जैसा हमने आपको बताया 2250 करोड़ रुपए है। मैक्सिमम स्पीड है 1035 किलोमीटर प्रति घंटा। 257,000 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है इस प्लेन महल की। इस महल में इतना ईंधन भरा जा सकता है। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, जिसे हम माइलेज के नाम से जानते हैं, तो वो है 0.61 किलोमीटर प्रति घंटा। 12,800 किलोमीटर की इस प्लेन की, प्लेन महल की रेंज है। ये कुछ खास बातें हैं इस महल के बारे में। और अगर अलग अलग कैबिन्स की बात की जाए तो कैबिन की चौड़ाई 23 फीट 6 इंच है और इन कैबिन्स में कई सुविधाएं हैं, जैसा हमने आपको पहले जानकारी दी, कुछ कॉन्फ्रेंस रूम है, बेडरूम है। इसके अलावा इस महल में 4 बाथरूम बनाए गए हैं और सबसे दिलचस्प पहलू है इसका गैराज, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा किया जा सकता है। प्लेन में एक रूम ऐसा भी है जहां जमीन आर पार दिखाई देती है, यानी आसमान में उड़ते हुए आप जमीन के नजारे भी देख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो खुला आसमान, तेज हवाएं और खूबसूरत मंजर साफ नजर आएंगे। फर्स्ट क्लास स्टाइल स्लीपर्स में 20 मेहमानों के लिए टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक विशेष इंतजाम किए गए हैं।
इस प्लेन में स्पा और स्टीम का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। स्टीम रूम को 2 मिलीमीटर मोटे मार्बल से बनाया गया है। ये तो कुछ जानकारियां जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दे रहे हैं। प्लेन में 3 फ्लोर हैं, आने जाने के लिए लिफ्ट का इंतजाम किया गया है जो इस प्लेन के सफर को और दिलचस्प बनाता है। इसमें आने वाले मेहमानों के लिए और प्रिंस के पूरे स्टाफ के लिए खास सुविधाएं हैं। गैराज भी बहुत यूनिक लुक है इस प्लेन का, जिसमें कार पार्किंग हो सकती है आसानी से। प्लेन के अंदर 5 बड़े और आरामदायक किंग साइज बेड हैं। और जो कालीन बनाए गए हैं वो भी खास हैं। प्लेन की सीढ़ियां भी घुमावदार हैं और खास धातु से बनाई गई हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस प्लेन के अंदर। जैसा हमने आपको बताया कि प्लेन के बाहर की बहुत सी चीजें, बहुत सी जानकारियां हमने आपको दी, लेकिन अब मौजूद हैं इस प्लेन के अंदर। तो आपने प्लेन से शहर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, प्लेन से आपने सैर की भी होगी या करना चाहते होंगे, लेकिन आज हम आपको प्लेन की सैर करवा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी शाह के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं बाथरूम किस तरह से बनाया गया है और बाथरूम में हर चीज गोल्ड प्लेटेड दिखाई पड़ती है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं एक बेडरूम में। जी हाँ, जैसा हमने आपको बताया था 5 बेहतरीन बेड यहाँ पर हैं और यहाँ जिस कालीन का इस्तेमाल किया गया है वो हाथ से बनाया गया है। और बेडरूम में तमाम सुख सुविधाएं, खासतौर पर ये बेड ये खास तौर पर बनाए गए हैं शाह के लिए, उनके स्टाफ के लिए, और बेहद आरामदायक हैं। इस तरह के 5 बेड कुल इस आलीशान महल में लगाए गए हैं। इसमें अलग अलग कैबिन्स में इस तरह के 5 बेडरूम हैं। ये एक फ्लोर है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक फ्लोर की आपको सैर करवा रहा हूँ इस वक्त। और इस बेडरूम के अलावा अगर हम बात करें तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ और सुविधाजनक इस प्लेन को बनाया गया है। खासतौर पर अगर सुल्तान अल वालिद बिन तलाल अपने पूरे स्टाफ के साथ चल रहे हैं तो उन्हें जरूरत पड़ेगी ऑफिस की भी, और ऐसे में एक बेहतरीन ऑफिस उनके लिए बनाया गया है जहाँ वो अपना पूरा कामकाज देख सकते हैं। बहुत सा पैसा है, जाहिर सी बात है, 2,250 करोड़ रुपए के प्लेन में जो शख्स घूम रहा है और एक सुल्तान है, सुल्तान अल वालिद बिन तलाल, उसके पास बहुत सा पैसा भी है और बहुत सा काम भी है जिसे देखने के लिए ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। और इस ऑफिस को हर तरह से हाईटेक बनाया गया है। यहाँ पर आई टच स्क्रीन वॉल भी है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम दूसरी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। आगे बढ़ते हैं इस प्लेन में। अगर आगे बढ़े तो ऑफिस के बाद में कुछ कॉन्फ्रेंस रूम भी आते हैं। और सबसे दिलचस्प पहलू जो मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा था और आपको भी लगेगा जानकर, एक कार यहाँ पर पार्क है। आप देख सकते हैं अल वालिद दलाल की कार है, तो जाहिर सी बात है कार भी बहुत आलीशान होगी और बड़ी होगी। इतनी बड़ी कार को पार्क करने के लिए बेहतरीन पार्किंग स्पेस भी इस प्लेन में दिया गया है। इस प्लेन में कार को पार्क भी कर सकते हैं और इसके बाद में अगर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वो वहां पर इस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लेन इतना शानदार है तो जाहिर सी बात है जब जमीन पर होंगे तब कार भी उतनी ही बड़ी होगी और कार में तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। इसीलिए इस कार को स्पेस देने के लिए, पार्क करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है और पार्किंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कार पार्क करना और फिर यहां से गाड़ी को बाहर निकालना ये भी चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए। आसानी से ये काम हो सके इसके लिए पार्किंग को खास तौर पर पहले ही फ्लोर पर डिजाइन किया गया है इस आलीशान प्लेन में, इस आलीशान महल में। इस आलीशान महल के कई और पहलू हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे।